बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़े की रेसिपी। मैं अपने किचन में बनाऊँगी ब्रेड रबड़ी, जो बहुत ही लो बजट है, बहुत ही आसान सी मज़े की रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं, किनारे मैंने इनके अलग कर लिए हैं। दो से तीन आप स्लाइसिस ले लें, इस तरह से बारीक आप कर लें, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें इनको। बहुत ज़्यादा मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया, बस थोड़ा सा आपने इनको ग्राइंड करना है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध में जब बॉयल आ जाएगा तो आपने इसमें जो ब्रेड हमने ग्राइंड की है वो आपने इसमें शामिल करनी है। वन फोर कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर शामिल किया है। कोकोनट इसमें आप ऐड कर दें, कुछ बादाम आप इसमें ऐड कर दें। जब अच्छी तरह ये थोड़ी थिक हो जाए तो आप लास्ट पे इसका चूल्हा बंद कर दें। और मैंने यहाँ पे होममेड खोया ऐड किया है। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बहुत ही कम वक्त में आप तकरीबन इसको 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। घर पर गेस्ट वगैरह आने हों या उसके अलावा आप ईद वगैरह पे इसको मीठे में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। अब यहाँ पे मैंने इसको ठंडा कर लिया है, इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने चांदी के वर्क लिए हैं, बादाम लिए हैं। सर्व करने से पहले आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करें। बहुत मज़े की और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। बहुत ही जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।